हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SJVN शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं SJVN शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज हम लोगों को इंट्राडे में तकरीबन 2.5% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला। स्टॉक जो है 1 पॉइंट लूज करके 37.65 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। मॉर्निंग सेशन से ही अगर देखेंगे तो इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और फाइनली स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने डे के लोअर एंड पे ही क्लोज हुआ है। इस स्टॉक का अगर 52 वीक हाई देखेंगे 42.35 रुपीज़ का है, और 52 वीक लो जो है वो आपको 25.45 रुपीज़ का है। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे तो लास्ट 6 मंथ में स्टॉक ने तकरीबन 41% गेन किया है। तो स्टॉक एक अच्छा अपमूव ऑलरेडी दे चुका है। तो चलिए अब चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक जो है क्लियरली रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, और ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो है स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट आपको किस लेवल तक हो सकता है? रिट्रेसमेंट आपको 35-36 के लेवल तक हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली अगर देखेंगे तो रिसेंटली स्टॉक ने इसी इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, और लास्ट प्रीवियस मंथ में एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे कंटिन्यूसली जैसा कि हम लोग बात करते हैं, जो आपको काफ़ी नीचे के लेवल से स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस किया था, इसी वजह से ऑलमोस्ट 26-27 के लेवल से स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस किया है। तो यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट आपको वैलिड होगा तो स्टॉक रिट्रेस बैक करेगा, सेम लेवल को एज ए सपोर्ट ट्रीट करेगा, और फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा। और जैसे ही यहाँ से बाउंस बैक करना स्टार्ट करेगा, हम लोग इस स्टॉक में जो है अपना बाइंग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। अब अगर बात करेंगे हम लोग वीकली बेसिस पे, अगर सेम रेसिस्टेंस लेवल को हम लोग वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो वीकली बेसिस पे भी आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा जो स्टॉक जो है काफी नीचे के लेवल से ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट कैंडल बना। ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब अगर यहाँ पे रियल में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक इस लेवल को सपोर्ट करेगा, यहाँ पे जो है रेस्पेक्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ से बाउंस करेगा। तो हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे एक बार अगर बाउंस करना स्टार्ट करे तो हम लोग जो है यहाँ पे वापस से फ्रेश पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और ऊपर की साइड हम लोगों को एक अच्छा टारगेट इस स्टॉक में मिल सकता है। जितने भी लोग नीचे के लेवल से आपको पहले के वीडियो देख के और इस स्टॉक में बने हुए हैं, वो लोग कंटिन्यू बने रह सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे प्रॉफिट में अगर आप कभी भी हैं तो उस पोजीशन को राइड करना चाहिए, जिससे कि और भी ज़्यादा हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।